हरियाणा किरण की बात करते हैं। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत गर्म होती जा रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को बड़ा ऑफर दे दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक सभा में कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ और हम उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार है। वहीं कुमारी शैलजा को लेकर बीएसपी नेता आकाश आनंद भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। मनोहर लाल का कुमारी शैलजा को ऑफर। हरियाणा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ और शैलजा को अपशब्दों का सामना करना पड़ा है। मनोहर लाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया, यह कहते हुए कि यदि वे बीजेपी में आती है तो वे स्वागत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में शैलजा का अपमान हो रहा है, हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ, ये किसी भी समाज में मान्य नहीं किया जा सकता। बापू बेटे के बाहर भी जो नेता है उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उसे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज, सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसान अपमान रहता तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल करती है ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी है इन्होंने, वह बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें, बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। बीएसपी से आकाश आनंद भी दे चुके हैं ऑफर। वहीं इससे पहले कुमारी शैलजा को लेकर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा था कि आप सब जान लीजिए कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा आपने देखा होगा कि हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही है, वह एक बड़े दलित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। आकाश आनंद ने इस दौरान कुमारी शैलजा को बीएसपी में आने का ऑफर भी दिया। देखिए के बहुत बड़ी दलित नेता है, हम उनका पूरा पूरा आदर सम्मान करते हैं, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उनके लिए आप शब्द इस्तेमाल किए गए, हमने पहले भी कहा था कि वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है, हमें बड़ा दुख होता है देख के ये सुन के कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया जी? क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा, और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं इस ऐसी खराब समय में, हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको खुले आम यहाँ पे। हुड्डा ने शैलजा को बताया बहन। हालांकि कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगने पर हुड्डा ने सफाई दी। उन्होंने कहा शैलजा हमारी बहन है, वह पार्टी के एक सम्मानित नेता है, कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे छेड़छाड़ की गई है। जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है, इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता, ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो आप, हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता, कांग्रेस जो है कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है,
और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए, लेकिन ये तो मैनिपुलेट लगता है। कुमारी शैलजा ने प्रचार से बनाई दूरी। दरअसल खबरें आ रही है कि कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज चल रही है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा के चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाई हुई है और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीते बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो लॉन्च में भी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन कुमारी शैलजा नजर नहीं आई। कांग्रेस की सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की अनुपस्थिति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है।